बल्टा में दूध लेके सीटी ना दे, बल्टा में दूध लेके खाचे ला दुआरा मारे ला लाइन रे, परेशान कर देले बा कि सखी हम का बताई, दूधवा तो देवे बिहनवा आवेला लेकिन जब दूधवा खत्म हो जाला दूधवा ना चाहला तब वो पूछे आ जाई बहने लेबू ना बतावत का। बल्टा में दूध लेके खचला दुआरा मारे लाला इन रे, बल्टा में दूध लेके खाचला दुआरा हमारे लाला इन रे, हमारे लाला इन रे, सखिरे अहिरा के सखिरे अहिरा के छोकरा हमारे लाला इन रे, सखिरे शाम घरे आवे दूध के बहाने, सुबह शाम घरे साइकिल का घंटी बजाई के बोलावे, भैया से कहलस देखी गाड़ी के नौकरा मारे लाला इन रे, भैया से कहलस देखी गाड़ी के नौकरा मारे लाला इन रे, हमारे लाला इन रे, सखिरे अहिरा के कलश की तो हमके परेशान कर दलस एगो बिरा आप लोगन के बीच में हम छोड़े जाते, हमके आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगन के पसंद आई वीर रस के बिरा। अब आप हुनका सेवा पूजारी, मौत से जूझता सर कपा
मिजाज से रहे मास्टर, मिजाज से वा सतगुरु महाराज जी के स्वर दे माई शारदा। अरे वाह, बताओले कि हमरे गावा ना वाला जेके गवावो सतगुरु महाराज जी के स्वर दे माई शारदा। यहां बैठे हुए हमारे सम्मानित चाचा दादा हम सबको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन जब जवानी चढ़ेले जमाना सलाम करेला, लेकिन कर्तव्य सुकर्म हो तब भाव लगल का। वहां तक नाम है हम लोगों के आदर्श राम पलट यादव, जहां तक बिरहा है तहां तक नाम है। बिरहा बाबा भोलेनाथ को पसंद होती है हमारे गुरु छविनाथ गुरु बताओ कि बाबा भोलेनाथ के बिरहा बहुत प्यारी होले। हम कहीं गुरु जी ऐसा बात कला, हाँ वेदों में शास्त्रों में पौराणों में प्रमाण मिलता है। 501 रुपए से सम्मानित कैलन हम कलाकारों के सम्मान आग्रज मालिक मनोज यादव, ए भाई ए बेटा आपको बहुत बहुत सलाम प्रणाम करता है। ए बाबू यहीं से जौहरी शहर लगलावा। गाय की रियाज का चीज और सेटिंग का चीज बोले हर भैया लोग बहुत बढ़िया बजाओ थुआ, लेकिन हमके जितना ताव दबाओ उतना मजा आई। काहे कि बतावल जाला गवैयन के ताव लड़वैयन के दा एगो पहचान हासिल करा देले समाज के अंदर। ए बाबू आजमगढ़ जिला के अंदर से ही कहानी लिखल गल जे भाई बोंगरिया बाजार गल हुई। बोंगरिया बाजार से पश्चिम साइड 1 किलोमीटर वह जवान वह वीर वह वतन के फकीर का गाँव पड़ता है। वही चीज से कहानी लिखल गई, जवान की उम्र 18 बरिश बताई गई, माता का नाम
कुंती देवी पिता का नाम कोदई यादव, बड़का भैया का नाम रामोतर यादव, जवान का नाम पन्ना यादव, छोट भाई का नाम चंद्रकेश बतावल गल बाबू, माई बाबू गरीबी में बेटी बेटन के पढ़ा के लिखा के सामाजिक स्तर के बनौलन। पन्ना लाल यादव एक दिन टेलीविजन पर देखत हुआ कि पापी पाकिस्तान वाला हमारे हिंदुस्तानी सैनिकन के मारत हुआ विमान से लाश घरे भेजावल जात बा। पन्ना लाल के अंदर भक्ति भावना जागल देश के प्रति, ये जिंदगी ये जवानी किस काम की, पन्ना वतन के काम आ जाएगी ये जिंदगी, जमाना सलाम करेगा। बाह जेकर जैसन सोच जैसन नेत होले मालिक वैसन करलन। भैया हमाल यहाँ पालवा सब जाने चली बा, लेकिन जवान चला गया लेकिन जमाना सलाम करत है, याद करत है, देखा यह मंच बा। आज हम यहाँ है कल कहाँ होंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। जवान अपने बाबू से कल की बाबू माई बाबू के आशीर्वाद से बेटी बेटा बढ़लन, खेती बढ़े अपने कर में, पुत्र बढ़े पिता के धर में। बाबू ये बचवा के आशीर्वाद देता फौजी जवान बन जाती, जया फौजी जवान बन जाती, पाकिस्तान के छाती पर चढ़ के दाल रगड़ने का काम करता बाबू। बाबू खुलन रे बेटा तो के हम पढ़ाई कैसे, आप फौज में जीबा तो तनी रुपया पाइप कैसे कहाँ से ले आई। कहला बाबू आशीर्वाद दे दा हम कुल काम कर ले। जवान ट्यूशन पढ़ा करके अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई को पूरी किया। आज जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई को पूरी किया तो हुआ क्या, बिरहा में तर्ज लगन। अरे सिर फल के तीनों पाती, अरे तीनों का चनार जी, सिर फल के तीनों सिर फल के तीनों पाती, तीनों का चनार जी, ताई रे तरवा भोला गोसैया बैठया सनमार जी, ताई रे तरवा भोला गोसैया बैठया सनमार जी। जवान इंटर की पढ़ाई को पास किया, कैला का इंटर का पढ़ाई कई के भाई खुशहाल हो, इंटर का पढ़ाई इंटर का पढ़ाई कई के भाई खुशहाल हो, वही रे घरिया से नाम भगती भाई पन्ना लाल हो, वही रे घरिया से नाम भगती भाई पन्ना। मालिक मर्जी कुदरत के देन से जवान भर्ती हो गया, जब भर्ती हो गया तो ट्रेनिंग दी जा रही है, किस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है वही में रही। 31 बटालियन में भाई लाए बहाली,
मालिक की मर्जी, कुदरत के देन, जवान भर्ती हो गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवान अपने घर की तरफ चला। गांव संगी साथी हेरी मेरी नात हित सब कोई देखलस बड़ा खुश भल कि बारे पन्ना बारे को दे दादा अपने बेटा के पढ़ा लिखा के एगो देश का प्रहरी बना देलन। बाबू केहू का मन में दुख ना सबके खुशी बा। धीरे धीरे समय बीतल आ जब धीरे धीरे समय बीतल तो ए बाबू यही भुआलपुर से आदो जी चलन, पन्ना यादव के गांव पे चलन, पन्ना यादव के घरे चलन, जाके कोदई दादा से मिलन, कहलन कि भैया तोरे गो बेटा हाँ फौजी जवान भैया। ओ फौजी जवान से अपने बिटिया के शादी करे चाहते। कोदई दादा बतौलन कि हमार बेटा बतावो बाबू जौने लड़की से हमार शादी करबा वो लड़की भरल जवानी में राण हो जाई बाबू, फौजियन के अक्का इरादा होला, गोलियां बरसे चाहे पनिया या पथरवा पहरू पहरा पर खड़ा। बाबू के उके बेटी लिया ठीक ना बा, कलब भैया हमारो लड़की बतावले कि पापा हमार शादी कर या फौजी जवान से। कलब भैया तब तो शादी हो जाए के चाहिए, शादी का डेट पड़ल, शादी का दिन रखा गल, बिरहा में तर्ज लगल। अरे गवाना करो पिया घर बैठे वाला, अरे अपन कोई लड़ी में लगल रे निरमोई दगा दे के, अरे पागल रे निरमोई दगा दे के, शादी का डेट रखा गल, सज के बारात चलत है, कैसे चलत है? अरे बाबू को दैया दो, देखे वहां का माहौल कैसन बा। अरे बाबू को दैया दो साजा दुआरे पर दिया, अरे कुंती कहिया रे जुड़ायल रे सिर पे पन्ना के सेहरा, अरे बनायल रे सिर पे पन्ना के सेहरा। आप हमारे नहीं बल्कि पूरे कलाकारों के सम्मान दादा रामपलट दादा, जहां तक बिरहा जहां तक दादाजी का नाम है, रामपलट दादा आपकी ओर से 501 रुपए से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत सलाम प्रणाम मुख है बाबू। बारात विदा विदाई करा के कोदई दादा पन्ना यादव और साथी लेकर के नीरा को अपने गांव आए मौलिया गांव। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, पन्ना
यादव जो जवान था अपने सरहद हिंद पर चला गया। समय बीतत गयल, भयल का विराह में तर्ज लगल। अरे छपरा सहरिया में अरे बिकल हो चरखावा देवर मोर जोगी रे भैला। समय बाद निरागर भौती हो गई। समय के पाक दुगो सुघर से बेटा के जन्म देलस। कवि के लिखे के पड़ल भाव देखे कितनी सुघर बा। अरे नीरा के अचारावा में अरे उतरल हो सुमनावा मनावा लो भाई हो गई। ए बाबू जवान साथियों के साथ बैरक में आराम फरमा रहा था। जवान साथियों के साथ बैरक में आराम फरमा रहा था। नीरा फोन की सैया दुगो बेटा पैदा भल होन। अरे दुल्हन जच्चा बच्चा सब ठीक बा? हाँ सैया हम ठीक है, बच्चा भी ठीक हुआ के पढ़ल हुआ सैया हूँ बहू आपके पढ़ल हुआ। जवान के छाती दुगना हो गल हो भैया। कल की ए नीरा उ दोनों बेटा हुआ के पढ़ल हुआ। कल सैया हूँ बहू आपके पढ़ल हुआ। कल बड़का बेटा का नाम रितेश रख दिया। कल सैया छोटका बेटा का नाम हम ऋतिक रख देव। कल ठीक। समय बीतत गई, बच्चा थोड़ा सयान भैलन। बनारस में आर्मी स्कूल में एडमिशन करवा करके नीरा भाड़े की मकान लेकर के बनारस में बच्चों की देखरेख करने लगी। समय बीतता गया, जवान भी डेढ़ महीना के छुट्टी लेके घरे आ गेलन। जब बाबू घरे आ गेलन समय बीतल, भयल का विराह में तर्ज लगल। ए भैया कोनो लड़की के अहिरे के लड़िका से प्यार हो गल। अहिरे शब्द बोला मत, हम बोलते तो हम बोल जाए। अरे शब्द कैसा लगत है? लेकिन मैंने महाभारत के अंदर देखा है, प्रमाण मिला है और पढ़ा है। मरमजान घनश्याम कन्हैया मनमोहन मनसूदन ने कहा कि अहिर मन निर्मल मोरदासा। अहिर के मन में कभी मल नहीं हुआ करती बाबू। अहिरे एक करी है मतलब वो कोनो मल ना होला। शब्द भैया गलत ना प्रमोद भैया। हाँ बस अर्थ का अर्थ ना हो, जब बात सब क्लियर और प्रमाणित बात हुई। ए बाबू जवान एक दिन रात का सुतल होन, फोन आल लेकिन विराह में तर्ज लगल। अरे नई नई प्रीता लागल या हीरा नवा, नई नई प्रीता लागल या हीरा नवा।
की आन बान खतरे नजर आ रही है। हिंदुस्तानी जवान का रोम रोम बंदे मातरम पुकारने लगा, कहा सर बता दीजिए। जवान का रोम रोम बंदे मातरम पुकारने लगा, कहा सर बता दीजिए कैसी आफत कैसी विपत है। जवान के रहते हिंदुस्तान की आन बान सब खतरे में नहीं रहेगी। मेजर बताओ थो कैसे बताओ थो तैयार मेजर कैला रात में फोनवा, मेजर कैला रात में फोनवा, जल्दी आवा जवनवा। जब इतनी बात सुनलन, सर मैं कल गाड़ी पकड़ लूंगा, सरहद हिंद की तरफ रवानगी मार जाऊंगा। विराह में टेरी का भाव लगल, अरे दुलाराया जंगड़ का सेरवा, अरे दुलाराया जंगड़ का, राया जमगढ़ का सेरवा, सर पे बांध कफन तब दुश्मन को ललकारा। ए भैया ललकार दिया जवान, जवान सच के चलत हो न हो, कैसे चलत हो बिरहा में तर्ज लगल। हम गोरु चराई बाऊ के साथे जाई, तो बाऊ गावत तो कहीं का गावला, कह चुप रह मर्दे या के हम गाव थी तो सुन गाव। बदनाम हो का जरावा, बदनाम हो का, गरिया के टूटल रोहला गड़ुआ नवा, बसुला के टूटल लोहार आए हाय। सजाए के थाल आरती उतार थी, सैया जात हुआ जाती दुल्हन, माई बाहू का ख्याल रखिया, माई बाहू का पूजा करे वाले के मालिक आजीवन सुखी रखलन, भविष्य प्रकाशमय रह नीरा। ख्याल करिया माई बाहू के समय से पानी दाना, उन लोगों का ख्याल रखना मैं जा रहा हूं। मैं सीमा सरहद का ख्याल रखूंगा, तुम घर का ख्याल रखना। जवान चेताई के चलत हो, कैसे चलत हो भैया हवा भाव में। सज के जाला हो जावना, 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 सज के जाला हो जावना। चलना भवन, चलना भवन नवा से पन्ना जवान नवा मन।
जवान चलत हुन भैया हो, गांव पूरा का लोग संगी साथी यार दोस्त सब कोई उनके जात पहुंचावे। पन्ना सबसे गले मिलत हुन, सबसे हृदय से मिलत हुन। कबीर जी के लिखे के पड़ल पन्ना जात कैसे हुआ? सज के जाला हो जावना, चलत हो पन्ना कवि जी के लिखे के पड़ल का चल भावनावा से पन्ना जवानावा मनावा में उठला तूफान आए हाय मनावा में जवान साथियों को लेकर के पहरा दे रहा है, रात को 12-1 बज रहा है। जवान बता रहा है, जवान विदेशी रावण माता सीता को उठा करके लेके जा रहा था, हमारे देश का जेठाऊ अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपनी आबरू को जीते जी नीलाम होते हुए नहीं देखा। हम तो जवान है, मरेंगे या मुआ देंगे। पाकिस्तानियों की एक भी नहीं चलेगी हमारे सामने। जवान कहने का बिरहा में तर्ज लगल, भैया भाई को बहुत बहुत सलाम प्रणाम। 101 रुपए से सम्मानित। अरे रतिया में पहरा देलन, अरे लइका पन्ना तोलिया रे गोलिया परसे लगलिना, रे गोलिया परसे लगलिना, तखेलला खूनावा का होलिया गोलिया परसे लगलिना, तखेलला खूनावा का होलिया। दोनों ओर से चला गोली मचला तूफानवा, अंबोर चासा मारे पन्ना लाल तेरी छनवा, अरे ग्रेनेड चलावा पापी, अरे आतंकी पहली यारे गोलिया परसे लगली ना, ये गोलिया परसे लगली ना, तकेलना खूनवा का होलिया गोलिया परसे लगली ना, ये तकेलना आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में हलना चाहते हैं। जवानों से यही बात पन्ना लाल यादव बता रहे हैं कि जवान वतन से बढ़ के कोई धर्म नहीं हुआ करता। तब ते देखत हुन कि 4-5 के संख्या में आतंकवादी होत हुन,
पन्नालाल यादव आवाज दिया कि हिंदुस्तानी जवान पहरा दे रहा है, साले पाकिस्तानी आतंकवादी गोली चला दिए, ये इतना गोली चलाए हमारे देश के जवान पन्नालाल यादव की पूरी टीम पोजीशन लेकर के पाकिस्तानियों को उथल पथल मचा दिया। जब उथल पुथल मच गए, पापी साले ग्रेनेड चला दिए, हमारे पन्नालाल यादव उस नायक जदवंशी नायक के चारों साथी शहीद हो गए। जा रहा है नायक, देख रहा है जवान, एक जवान, दो जवान, तीन जवान, चार जवान के देखलन, कलन जा भैया, लोगन दम तोड़ देला। लेकिन पन्नालाल यादव भी उसी श्रेणी में पहुंचा है। लेकिन पन्नालाल यादव इन सालों को जब तक माटी में मिलाएगा नहीं, तब तक अपने दम को नहीं तोड़ेगा। पन्नालाल यादव के लंका बिरहा में तर्ज लगल जगह सीधा भाई, अरे झूलनिया का गुजावा, अरे टूटली हो राजा, अरे जवनिया में गड़िया छिटली हो राजा, जवान पन्नालाल पोजीशन लेलन, कलन की अब तो हमार कोनो भरोसा ना बा, लेकिन हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में जब तक सांस रही, जब तक दम रही, इन सालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। पन्नालाल यादव पोजीशन लेकर के ललकार की आवाज दिए, पापी पाकिस्तानी, कभी कभी साले सीने पे वार किया करो। पन्नालाल यादव कहने का, अरे खुनावा सब पन्ना बाबू, अलग अलग गोलिया वही लंग बाबू, अलग अलग छगो आतंकिन को पन्ना गिराए, असिर में लगल गोली पीर बाराए, अरे सुकला सुमना मुरा झायलिए बाबू, लगल गोलिया भैया झायलिए बाबू, लगल आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। एक आतंकवादी साला छुप करके सर में गोली मार दिया, जवान गिर गया, जवान गिर गया। नो बाबू सुबह भइल, अधिकारी पांचों जवानों की पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट करके घर भिजवाने का काम करते हैं। और इधर मेजर पन्नालाल यादव के जो मेजर हैं, घर पे फोन करते हैं, कैसे कहले बिरहा में तर्ज लगल, अरे फोनवा से मेजर देहले नीरा के खबरी आयो, रे नीरा के खबरी आओ, गिर गईली काई के चीगा, मेजर फोन कैले, नीरा फोन के उठौलस, रिसीव कैले कला, हाँ हेलो के बोलता, मैं पन्नालाल यादव का मेजर बोल रहा हूँ, जय हिंद सर, जय हिंद, हमारे पतिदेव कहाँ हैं साहब? बहन तुम्हारे पतिदेव सलामत हैं इस वक्त यहाँ नहीं है? इतना तो बात पढ़ लिखल लल मीरा कल, ए साहब रोज तो फोनवा हमार संयाम से करत रलन, आज आप करत हुआ कहत हुआ, लेकिन लेकिन काये साहब? बहन बड़ी अफसोस की बात कि पन्नालाल यादव शहीद हो गए। ये इतना बतिया सुन के
नीरा जी से काटल पेड़ की नियर आ रहा के उलट गई, चिल्लाए लगल भैया हो दादा हो चाचा हो। गांव के अगल बगल के लोग जुट के हिलल, नीरा के कलन की बिटिया का भइल। नीरा बतौलल 80 बरिस के बाप बुढ़वा को दई यादो, जब ये बात के सुनलन जैसे बाबू बिना पानी के मछली छपटिया। कोदई यादो उमाई बुढ़िया कुंती रोवती, आंख से झर 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 आंस गिरत। कोदई यादो कलम बारे बेटा पन्ना, ये हमारे कौने कर्तव्य कमाई जिंदगी के चुकल लल, जौन ई देखे के पड़ल। बारे भैया ये दुख कैसे भराई, लेकिन मेजर बता रहा है, कैसे बता रहा है। फोनवा से मेजर देला नीरा के काबारी आयर, नीरा के काबारी आओ गिर गईली कई के चिगार जी। कौआ माउलिया में सोर माची गाई लयर, सोर माची गाई ले हो सबई करे लौ तब चिगार। ए भैया गांव के लोग जुटत हुन, सब कोई सांत्वना देत हो, जवान के पार्थिक शरीर के देखे जा, तो बाबू भैल का वही में। अरे लसिया के लेके अइले सिम के जवाना, सिम के जवाना हो दिनवा ओढ़ के तिरंगा पन्ना, अइले भावाना वायर, अइले भावाना वाहो चारे ओर भइले अनियार जी। सब हाय हाय करत बा, लाश आ गइल वही मौलिया गांव प्राइमरी स्कूल पे रखल गइल। ए भैया माई बुढ़िया दौड़त चलती बिरहा में तर्ज लगल। अरे मुहावा निहार माई बनी के पाउराही आयर, बनी के बाबू गिर गईले भाराई न हो राम, राम अवतार ले कलर बारे पन्ना। ई कितना बड़ा चोट मन के लग गई भैया, छोटका भाई चंद्रकेश याल कलब भैया वादा कैले रहला कि भैया रे तू पढ़ाई पूरी कर ले, तेरा भाई तुझे फौज में भर्ती करा देगा। ए भैया ये बहुआ के फौज या में के भर्ती कराई हो भैया। माँ दौड़ करके लाश उ पार्थिक शरीर को जा करके उठाना चाहती है, देखना चाहती है। सरहदे जवान रोक देते हैं कि रे माँ जवान की लाश को न दे। माँ एगो सवाल के लेके साहब जौने दिनवा 9 महीना ये बेटवा के लेके अपने कोखिया में पलली, वो दिनवा हक रहले साहब आज हमार भैया हमार लाल जौने ललवा के अपने आचरा में छैया में रखलिन, वो दिनवा हक रहल आज हमारे बेटा के देखे के नाम हक। जवान कारे माँ जी भर के अपने बेटे को देख ले। ए भाई ये बात का पूरा चर्चा बा, पूरा हल्ला बा। आजमगढ़ जिला के परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, एसपी रणबीर, डीएसपी दिनेश चंद्र दुबे मौके पर पहुंचते हैं। और जब पहुंचना तो भैल का पपट के भाग। अरे दुर्गा यादव सब ही के समझाव गांव मौलिया में, अरे एसपी डीएम श्रद्धा सुमन चढ़ाव गांव मौलिया में। समय कम है, समय को देखते हुए काम करना है। ये भैया सपा के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और सपा के परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव इन मौके पर पहुंचते हैं। और हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी के तरफ से 20 लाख रुपए की धनराशि और
घर के हर सदस्यों को नौकरी का आश्वासन देते हुए हमारे आजमगढ़ जिले के परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव एक बड़ी ऊंची बात बोलते हैं कि आज से पन्नालाल यादव की पूरी परिवार हमारी परिवार है, हर सहायता संभव देने का प्रयास करेंगे। बाबू हो, ये बात जब नेताजी के पता चलल, नेताजी कैला का आल्हा का भाव लगल। ओपी के अंदाज में आवाज, हम ओपी के अंदाज में तैसे जान लगी, लेकिन मजा आ जाए। अरे लसिया, अरे लसिया उठा के चलल सीमा के जवानवा दादा। वाला दूसरों की दर्द बुझता है बाबू। आवाज दिए कि जवानों की वर्दी और टोपी नहीं, जवानों की पार्थिव शरीर भी घर जाएगी। माननीय नेताजी ने जवानों के साथ इतना बड़ा काम किया है, अगर देखी जाए यूपी सरकार की जनता देखे तो नेताजी का ही यूपी की जनता पे कर्ज है। युवा के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में युवा मुख्यमंत्री दिया। मैं किसी बिरादरी किसी पार्टी लेवल से मतलब और ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन जैसा को तैसा कहो ये तो निंदा ना। रहीम जी कबीर जी ने कहा है, इसके पहले जवानों की पार्थिव शरीर घर नहीं आती। साथियों, नेताजी मंत्री थे नेताजी, और वही लागू करवाए जवानों की पार्थिव शरीर घर पे आती है। बनारस के एसपीडीएम से अवगत होते हैं कि जवान शहीद हुआ है, उसके दाह संस्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बनारस के एसपी डीएसपी सब लोग जवान के दाह संस्कार में लग गया, और जब लग गए तो भैल का खड़ी का भाव लगलवा। अरे जमगढ़ की धरती रण कुबेरों से भारी, जकर नाम से मुदैया कपेला हर घर। अरे डरे ना सौदागर सिंह बैरी के मैगजीन से, सेल्फी लोडिंग राइफल लिया है जाके चीन से। अरे सौदागर के वीरता का पता कलरी, जेकर नाम से मुदैया का पेलर गरीब। चीन वालों से और इंडिया वालों से, हिंदुस्तान वालों से लड़ाई हो गई थी, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के कई सैनिक मारे गए थे। उसी में हमारे आजमगढ़ जिला के जीयनपुर के बगल में
सौदागर सिंह का गांव पड़ता है बाबू, और वही सौदागर सिंह जा करके एक झाड़ी में छिप गए थे। सारे जवान शहीद हो गए। सौदागर सिंह सोचलन कि अगर भाग जाऊंगा जमाना मुझे कायरता करार देगा, अगर जी गया तो भी लोग कहेंगे सब सैनिक मारे गए, तू कैसे जी गए सौदागर सिंह। सौदागर सिंह झाड़ी में निपलवन छिपलवन, चीनी सैनिक जश्न मना रहे हैं अपने वीरताई अपने खुशी पे अपने विजयी पे, जा रहे थे झाड़ी में नहीं पे सौदागर सिंह, जा करके झटक करके एक चीनी सैनिक को पकड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि राइफल के नोक पे संगीन हुआ करती थी, उस संगीन को लेकर के धाए 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 आठ दस थे चीनी सैनिकन के पेटवे में खोप दिलन मर गिलन। आ जब सब मर गिलन तो आठों दसों मैगजीन राइफल लोडिंग लेकर के अपने हिंदुस्तान की तरफ चले। जब हिंदुस्तान की तरफ चले तो लोग जानते थे कि सौदागर सिंह भी मर गया है, शहीद हो गया है जवान। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और हमारे देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली खट्टर जी थे। वीर चक्र से जवान को सम्मानित किया गया। आखिरी कड़ी में कहे पड़ल याद हो गई ना वीरता दिखाई, अरे करी इतिहास जेकर सदियों बढ़ाई, अरे भारत माता के खातिर बनला पगारी तो जेकर नाम से मुदैया को पलोर। हमारे आजमगढ़ जिले का इतिहास रहा। अरे वाह। आखिरी कड़ी में कहे बाका गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी विमल चंद्रिका रामदेव से दहल गयनकारी हो। अरे दुलारा आजमगढ़ का शेरवा जितेंद्र राम नरेश के सतगुर कैसा।